बहुत भीड़ था, बहुत भीड़, लाइन लगा करके अंदर हम लोग को जाने देते। कस्टमर को तो लौटा दिया कि अंदर जगह नहीं है। बताओ सबसे पहले तो हमको लगा था कि आज मेरा लाइन उसमें लगेगा। पसंद आ रहा है उसे, मुझे नीचे वाला भी अच्छा लग रहा है। बाकी देखती है जिया कौन सा पसंद करती है। पहले जिया दो तीन बार ऐसे ऐसे खोल खोल के देख, इसलिए तुम कहे कि पूरा खोल देते आराम से। देखो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी। स्वागत करते हैं हम आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी भाई की शादी आ रही है नजदीक और उसके लिए करनी है खरीदारी, तो सभी लोग मिलकर के हम लोग चल रहे हैं मार्केट। लड्डू का भी कुछ सामान रह गया था, इसका कुछ कपड़ा जो है शायद पैकिंग करते समय छोड़ गया, तो लड्डू के लिए भी कुछ सामान खरीदना है, तो चलते हैं हम लोग। ये हम पहुंच गए हैं रिलायंस ट्रेंड के पास और अब चलते हैं वहां पर। हमने तो यहां पर काफ़ी शॉपिंग करी है, नैन्सी दीदी का पहला एक्सपीरियंस है यहां पर, देखते हैं इसका कैसा एक्सपीरियंस रहता है और लड्डा का भी। चलो लड्डा जी, हम रिलायंस ट्रेंड से बाहर आ गए। लड्डू की तो शॉपिंग हो गई, अब बारी है जिया की शॉपिंग की। जिया यहां पर आई हुई है और अपने लिए लहंगा देख रही है। तो जी अपने लिए एक लहंगा ये देख रही है, कैसा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है। अच्छा है लहंगा, पसंद आ रहा है उसे, मुझे नीचे वाला भी अच्छा लग रहा है। बाकी देखती है जिया कौन सा पसंद करती है। क्या हो गया, बजट से बाहर जा रहा है? नहीं एक बार आप ट्राई कर रहे हैं। जिया का हाइट लग रहा है बढ़ गया है, जिया तुमसे भी लंबी हो गई है। वही तो। अच्छा तो जिया दिख रही है जी अब सारी, कलर तो एक पर एक आ रहे हैं, दाम भी एक पर एक है। आप बताइए आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? जो सबसे सस्ता है वो ले लो। नहीं दोनों सेम कलर कॉम्बिनेशन में। देखिए उधर 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 कौन सा अच्छा लग रहा है? तो ये अच्छा लग रहा है नीचे वाला। ये लुकी शॉपिंग चल रही है और कपड़े पसंद पर पसंद आए जा रहे हैं और पैसे का जो है मीटर भी बढ़ता जा रहा है। पैसे का अगर मीटर होता तो मालूम चलता, जो मीटर का जो सुई होता है वो जो उसका लिमिट होता है उससे पार चले जाता सुई। ऐसा हाल है जी, देखा जा रहा है जी सूट साड़ी उधर पसंद कर लिया गया है और लहंगा भी पसंद कर लिया गया है। अब देखा जा रहा है सूट, इसमें देखते हैं मीटर कहाँ तक बढ़ता है। मीटर को जो है थोड़ा हल्का ही रखा जाए। आप टेंशन मत लीजिए, मुझे दिला दो। तुम्हारे लिए तो सब कुछ है, पूरा दुकान ले लो तुम, क्या दिक्कत है? ठीक है भैया इसको भी पैक कर दीजिए। चलते हैं जी, इनकी शॉपिंग पहले खत्म हो गई। ये लोग कितनी देर शॉपिंग पर रुकते हैं, मेरे दिल की धड़कन उतनी तेज बढ़ती जाती है। हो गई यहाँ पर सारी खरीदारी, बिलिंग भी हो चुका है, अब हम चलते हैं अपने लिए कुछ खरीद लेते हैं। पति महारानी ने अपने लिए झोला भर भर के शॉपिंग की है और हमारे लिए कितनी शॉपिंग होती है वो देखते आगे चल करके। बालू ठीक कर रहे हैं अभी उस दिन भाई आया था ना लेने के लिए, गांधी जी को लेके आया था, उसी का शादी है, उनके बड़े भाई अब है। ये बड़ा भाई तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे से ज्यादा इनकी शॉपिंग होती है कम, अभी शुरुआत ही हुआ है। दीदी आप ये बताइए मेरे से ज्यादा होगा या कम? अब हम तुम्हारी करवा चुके हैं इसका देख लेते हैं, उसके बाद बताएंगे क्या क्या होता है। हमसे ज्यादा ही होगा इसलिए हमेशा ज्यादा करते हैं। कौन सा सीट नहीं है तुम्हारे पास? देखो वो वाला तो बहुत सही रहता है। नहीं ऊपर लाइट शेड में, हाँ लास्ट वाला जो है, नहीं उसके आगे वाला, वो वाला नहीं, ये वाला डार्क नहीं, इसके नीचे वाला, बीच वाला। अच्छा तो है एक साइड, नहीं अब टाइट हो गया आपको, है लेकिन टाइट हो गया आपको, ये वाला, ये वाला। यहाँ भांजा बता रहा है कि ये ले लो मामा, लड्डू बोल रहा है कि मामा वो पगड़ी दिला दो, पगड़ी पहनेगा भी शादी। किसके पास पहले से पगड़ी है? छोटा हो, तुम्हारा सर ही बड़ा इतना है कि पहले बड़ा लिया गया। शर्ट मैं उस पे मैच कर रही हूँ, शर्ट दिखा दीजिए। इनका एक ड्रेस पसंद हो चुका है काफी मशक्कत के बाद।
हमारे में इतना नहीं हुआ था ना दीदी, थोड़ा सा ही प्रॉब्लम हुआ, तुरंत पसंद कर लिया। और वह कौन सा ड्रेस है जी, आपको दिखाएगी कुछ देर बाद? हाँ। कुछ देर बाद नहीं, सीधा शादी के दिन दिखाएगी। जिस दिन अभी तिलक का पसंद किया गया, तिलक में ये क्या पहनेगा? अब ये रिसेप्शन का पसंद कर रहे हैं ना, रिसेप्शन में अब क्या पहनना है? देखते हैं जी, भाई साहब कैसा दिखाते हैं, इनके पास कैसा कैसा कलेक्शन है। इधर आए, कलेक्शन तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अंकल के जैसे ऊपर कैमरा जाता है, अंकल एकदम रेडी हो जाते हैं। हां भाई साहब को जैसे मालूम चला कि YouTube है, कह के रुके थोड़ा बाल ठीक कर लेता। वो मैं कैमरा में रिकॉर्ड कर चुकी हूं। कोई नहीं अंकल, वैसे ही अच्छे लग रहे हैं आप। जरा जा मुश्किल से इन्हें कुछ पसंद आया, लेकिन वो मैं दिखा नहीं सकती हूं आपको। यहां पे देख सकते हैं बहुत सारा कुछ। और यहां मेरा श्रेयांश लड्डू, गेम खेलने में बिजी। उधर गेम मत जाना बेटा, नहीं नहीं इधर घूम के बैठो। हमारा हमेशा ये कंफ्यूज करते रहते कौन सा ले कौन सा ले। ट्राई कीजिएगा आप। कर रहे हैं शॉपिंग है या शादी की, एक बार में फैसला होता नहीं इसलिए। जब हम लोग कर रहे थे तो आप कैसे कर रहे थे दीदी, कैसे कर रहे थे? नहीं तुम्हारा मीटर ज्यादा बढ़ रहा था, मेरा मीटर कम है। मीटर किसका ज्यादा है? अभी जब टोटल होगा तब बताएंगे। मीटर ऑब्वियसली हमसे दो गुना होगा। वैसा नहीं है, मालूम चले देख के शॉपिंग लेके वो पता चल रहा है। अगर हुआ तो आप उतना का मुझे भी दिलाइएगा। जी हो गई अब सारी खरीदारी, कुछ कुछ कपड़ों में कंफ्यूजन है। तो कल हमारे एक भाई साहब है तो उनको साथ में लेकर के आएंगे और वही आकर के पसंद करेंगे कौन सा सही रहेगा। बाकी सिलेक्शन तो हो चुका है, तब चलते हैं। दो दो सिलेक्शन हुआ, उसमें से पसंद करना कि कौन सा आपको। हो सकता है शायद दो दो भी ले लिया जाए, वो देखा जाएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं। यहाँ दी नेक्स्ट डे जी, कल शॉपिंग करके जी हम लोग आ गए और अभी यहाँ पर शादी का क्या क्या काम सब पेंडिंग है। भाई सारा लिस्ट बना रहा है और लिस्ट बना करके वही स्टिकी नोट पर डाल करके दीवार पर चिपका देगा। शादी के समय समझते हैं जी अच्छा खासा काम रहता है और कई चीज़ जो होता है दिमाग से मिस हो जाता है। और अच्छा था जी हमने गेस्ट का लिस्ट जो है पहले ही तैयार करके रख लिया, किन किन गेस्ट को इन्वाइट करना है, किनको किनको कार्ड पहुँचाना है, तो वो सारा लिस्ट जो है एक महीना पहले ही तैयार कर लिया था भाई ने। उम्मीद करते हैं जी कोई भी छूट नहीं जाए। वैसे हो जाता है जी कई बार कि कितनी भी तैयारी कर लो कोई ना कोई आदमी रह जाता है जिनको इनवाइट करना होता है, तो नहीं होना चाहिए ऐसा, हम मानते हैं। शादी के समय जानते हैं जी काम का लोड कितना होता है, कितना तरह का काम होता है। शादी क्या जी, किसी भी तरह का जो भी होता है घर में, एक फेस्टिवल जैसा जब भी माहौल होता है। तब चलते हैं, अभी हमको दूध लेने जाना है, दूध लेकर के आते हैं। और आज घर में बनने वाली है करी वरी, तो उसके लिए दही की भी जरूरत है, तो दही लेकर के आते हैं हम। चलिए जी ले लिया सामान, अब चलते हैं यहाँ से घर। A few moments later. जी मुझे फिर से दुकान आना पड़ा, कुछ छूट गया था, दही थोड़ा कम लाया मैंने, थोड़ा और भी ज्यादा लेना था। बाकी दूध भी थी तो एक्स्ट्रा ले लिया, अब घर में गेस्ट ज्यादा आ गए हैं तो दूध की खपत भी ज्यादा है, उसी अनुसार ले लिया। अब चलते हैं घर यहाँ से। One eternity later. जी अभी नैन्सी दीदी मम्मी सभी शॉपिंग करके आई है और देख सकते हैं जी यहाँ पर सारा कपड़ा शॉपिंग का। और भी कुछ बचा हुआ है क्या? अभी और भी बाकी है, लेकिन 80% हो गया है, 20% अभी बाकी है। सॉल बच गया है नैन्सी। हाँ, सॉल मार्केट का कैसा हाल था अभी? बहुत भीड़ था, बहुत भीड़, लाइन लगा करके अंदर हम लोग को जाने देते थे। कपड़ा का लाइन लगा वेटिंग में आधा घंटे के बाद अंदर एंट्री मिला, उसके बाद कपड़ा लेके बाहर आए, फिर मैचिंग करके उसमें 1.5 घंटा लगा, मतलब परचेजिंग के बाद 1.5 घंटा पैकिंग काउंटिंग इन सब चीजों में लगा। अब बहुत कस्टमर को तो लौटा दिया कि अंदर जगह नहीं है। बताओ जी, पहले तो हमको लगा था आज मेरा लाइन उसमें लगेगा, लेकिन डैडी का क्लाइंट है, डैडी से बहुत अच्छा रिलेशन है उनका, होलसेलर है, तो इसलिए हम लोग को मौका मिल गया। नहीं तो आज मिल भी नहीं पाता, मिल भी नहीं पाता, फिर भी हमको कल जाना है। बताओ कस्टमर को लौटाना पड़ रहा है, बिजनेसमैन के लिए क्या होगा? कल मैं तो कल नहीं जाऊंगी, आप तुम्हारी बहन नैन्सी और मेरी बहन मोना ये दोनों जाएगी, आप कल से वही मार्केटिंग करेंगे, मैं घर को संभालूंगी। सही है। हाँ सही बात है। वो जो थे वकील साहब के ही सोचो क्लाइंट थे, तो वो मैं कहे जो कि आप जमीन पे कैसे बैठने देंगे, हम कहे नहीं हमको जमीन पे बैठ के अपना हम कब कपड़ा खरीद शॉपिंग कर लेते हैं, हम खरीद के चले जाएंगे। जी जिया से कंट्रोल नहीं हुआ, जिया कहे कि हमें साड़ी देखना है, तो जिया साड़ी देखने बैठ गई है, देख रहे हैं पूरा साड़ी यहाँ खुल रहा है, एक एक करके सारा ड्रेस देखा जा रहा है। और पहले जिया 2-3 बार ऐसे ऐसे खोल खोल के देख, इसलिए तुम कहे कि पूरा खोल देते आराम से देखो। अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लगता है? अच्छा बढ़िया है जी। और बाकी जी जिया को एग्जाम दिलाने भी जाना है, जिया के बीच में एक एग्जाम भी है, जिया को एग्जाम भी दिलाने जाएंगे, साथ ही जिया के घर भी जाएंगे।
भाई की शादी का जो इनविटेशन है वहां जाकर के पर्सनली सभी को देना भी है। तो आप इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं जी आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आगे जी वीडियो मजेदार आने वाले हैं। शादी का एक एक जो भी रस्म होता है सभी आपको दिखाएंगे, बिल्कुल डिटेल से दिखाएंगे। हमने छठ का वीडियो डाला, छठ के वीडियो का आपने बहुत प्यार दिया, सपोर्ट दिया, सराहा। तो कभी कमेंट भी देख रहा था, आप में से कई लोग कह रहे थे कि जी आपके जरिए हमें अपने कल्चर को जानने का मौका मिलता है, तो काफी अच्छा लगता है अपने कल्चर को देखते हैं। तो इसी तरह जी शादी का जो भी फंक्शन सब होगा सब आपको दिखाएंगे। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले। और हाँ जी वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।